नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बेडूधर रौतिया। आप सभी का हमारे चैनल लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स में स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, आप NTA VGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी एग्जामिनेशन है जिसमें सिलेबस में लॉजिकल रीजनिंग है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये सीरीज चल रही है ताकि लॉजिकल रीजनिंग के सभी प्रश्न आपसे सॉल्व हो जाए। और आज के लेक्चर्स में हम बताएंगे, एक आइडिया लेंगे कि ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर में किस तरह के प्रश्न पूछा जाता है, और जो मैं अभी तक पढ़ाया हूँ उसमें किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। जो हमने समझा है पिछले लेक्चर्स में, क्या उसके हिसाब से ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर बन रहा है या नहीं बन रहा है, कैसे दिमाग लगाना है। यदि आप हमारे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा चीज़ है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। जो हमने पिछले लेक्चर्स में ट्रिक बताए हैं उस ट्रिक को आपको समझना पड़ेगा। जब तक आपको ट्रिक नहीं पता होगा, समझ नहीं आया होगा, किसी भी प्रश्न को नहीं सॉल्व कर सकते। और याद रखिएगा, क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं आता है, बहुत ही ईजी बन जाएगा। एक बार में देखोगे 1 सेकेंड में बनेगा, कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं है इसमें, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। चलिए हम शुरू करते हैं, कैसे हम चुटकी में हल करें, कैसे हम इसको समझने की कोशिश करें और देखें बेहतर आंसर क्या हो सकता है। देखिए, ये क्वेश्चंस पूछा गया है 24 सितंबर 2020 के फर्स्ट शिफ्ट में। शायद आपको पूरा का पूरा दिखाई दे रहा होगा। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, नीचे एक तर्क वाक्य दिया गया है, यानी कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, तो इसमें से आपको क्लासिकी निरपेक्ष तर्क वाक्य निकालना है, यानी कि आपको जो है क्लासिकल कैटेगरियल प्रीपोजिशन निकालना है। यानी कि ये कैटेगरियल प्रीपोजिशन क्या होता है, ए होता है, ए मतलब सभी, ठीक है। ई होता है, ई मतलब कोई नहीं, ठीक है। यहां पर आई होता है, आई मतलब कुछ, और ओ होता है यानी कि कुछ नहीं, ये इसके बारे में पूछ रहा है। और मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था ए में ए को कैसे पहचानना है। ए मतलब जिसमें सभी हो, हमेशा हो, ठीक है, हमेशा हो, ये चीजें जो हमने बताया था, प्रत्येक हो, या कोई फेमस जो दुनिया में केवल एक नाम हो, दुनिया में केवल एक नाम, ठीक है, जैसे महात्मा गांधी है, इंडिया है, एक नाम है। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग जो है, मैंने उसको उदाहरण के रूप में बताया था कि महात्मा गांधी शब्द आएगा, इस तरह के जो नाम है, जो सिंगल नाम है, पृथ्वी में केवल उन्हीं के बारे में जानते हैं। जैसे हम महात्मा गांधी के बारे में बात करते हैं तो मान के चलिएगा कि वो मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ए क्या है, ए जो है आपको पता होगा यूनिवर्सल है और एफर्मेटिव है। ए को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ, ए इज इक्वल टू यूनिवर्सल एफर्मेटिव है, यू ए कहते हैं। ई क्या है, यू एन है, यानी कि निगेटिव, ये यूनिवर्सल एफर्मेटिव ये जो दिया हुआ है, और ये यूनिवर्सल निगेटिव। आई क्या है, पर्टिकुलर एफर्मेटिव है, पर्टिकुलर एफर्मेटिव पी ए बोलते हैं। और ओ क्या है, पी एन है, पर्टिकुलर निगेटिव, ठीक है, पर्टिकुलर निगेटिव। तो इसको हम लोग जो है, ये आपको जो है हमेशा ध्यान रखना है। तो इसका मतलब ए जो होता है ये यू ए है, यू ए यूनिवर्सल एफर्मेटिव, यानी कि सार्वभौम विध्यात्मक, विध्यात्मक बोलते हैं एफर्मेटिव को, या सकारात्मक बोलते हैं। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा फर्स्ट होगा, क्योंकि ए के अंतर्गत आएगा ये, ठीक है, या इसको आप यू ए कह सकते हो, यू ए यूनिवर्सल एफर्मेटिव, यानी कि सर्वव्यापी या सार्वभौम सकारात्मक। और ये विध्यात्मक का मतलब ही एफर्मेटिव होता है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखते हैं।
दूसरा चीज है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा है देखिएगा। सभी दार्शनिक भ्रमशील होते हैं, सभी शब्द है, इसका मतलब ए है ये। सुकरात भ्रमशील नहीं है, नहीं शब्द दिया है, यानी कि ओ, ये ओ है। सुकरात मतलब एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये विरोध के क्लासिकी वर्ग के बारे में बोल रहा है। तो ये स्क्वायर ऑफ अपोजिशन कल हमने जो आपको बताए हैं, ठीक है, तो ये नहीं है और सुकरात है, एक व्यक्ति है तो, और नहीं शब्द दिया हुआ है, तो स्वाभाविक सी बात है ये वो है। और ए और ओ क्या होता है, हमने ऐसा बताया था, शायद आपको पता होगा, ठीक है, कल ए, ई, आई और ओ, और ऐसा बताया था। ये क्या होता है, विपरीत होता है, कॉन्ट्रेरी, इसको कॉन्ट्रेरी बोलते हैं, ठीक है, या इसको विरोधी बोलते हैं। दूसरा उपविरोधी बोले थे, उपविपरीत बोले थे इसको, हम सब कंट्रेरी बोले थे, ये सब कंट्रेरी जो है ये है, ठीक है। ये क्या है, उपाश्रित है, ये ए और आई उपाश्रित है, ये भी उपाश्रित है, और ये जो क्रॉस दिख रहा है वो कंट्राडिक्टरी है, क्रॉस जो है कंट्राडिक्टरी यानी कि विरोधाभास, विरोधाभासी। तो आई और ओ, यहां पर ए है, ये ओ है, ए और ओ, ए और ओ विरोधाभासी है, यानी कि दूसरा आंसर है, कंट्राडिक्टरी है। आपको लॉजिक लगाना है, ये ए है, ये ओ है, नहीं शब्द दिया हुआ है, और सुकरात एक व्यक्ति है, तो स्वाभाविक सी बात है एक व्यक्ति कुछ होता है, कुछ भ्रमशील नहीं है, तो यहां पर ए और ओ होगा। ए और ओ मीन्स यहां पर ध्यान दीजिएगा, कॉन्ट्राडिक्ट्री होगा। यदि ई और आई होता तो कॉन्ट्राडिक्ट्री होता, ए और आई होता उपाश्रित होता, ई और ओ होता उपाश्रित होता, आई और ओ होता उपविपरीत होता, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको सही आंसर देना है। शायद मुझे लगता है आपको समझ में आ गया हो, समझ में आया हो तो जरूर कमेंट्स में लिखिएगा कि सर हमको समझ में आया। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये सेकंड शिफ्ट में क्या क्वेश्चन पूछा है देखिएगा। किसी सुस्पष्ट तर्क वाक्य की मात्रा और गुणवत्ता निम्नलिखित का निर्णय करती है। मात्रा, आप यहां पर मात्रा की बात कर रहे हैं, जब इसमें हम लोग जो है मात्रा की बात करते हैं, ए, ई, आई, ओ, ये तो मात्रा है, मात्रा सभी, सभी मतलब पूरा का पूरा, 100%, कोई नहीं, ये भी 100% की बात करता है, ठीक है। ये देखिएगा मात्रा है, कोई नहीं, ठीक है, कुछ, ये भी मात्रा है, और ये भी कुछ नहीं, ये भी मात्रा है, ये भी तो मात्रा है। यहां पर इस बात को हमेशा ध्यान देना है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ये तो मूड है, ये तो मूड कहलाता है, मूड के बारे में हमने बताया था, इसी को तो मूड बोलते हैं, इसी को तो हम लोग अवस्था बोलते हैं, अवस्था कहा जाता है, ठीक है। गुणात्मक क्या है, आप ये गुणात्मक की बात कर रहे हैं, गुणवत्ता की बात कर रहा है, गुणवत्ता में क्या है, जैसे उदाहरण के रूप में सभी, सभी आम मीठे हैं, सभी आम मीठे हैं, ठीक है। यहां पर कुछ फल आम है, ठीक है, देखिएगा ये ए है, ये आई है, तो इसका निष्कर्ष हमने बनाने के लिए बोला था, कैसे निष्कर्ष निकलेगा आप कमेंट्स बॉक्स में लिख कर दीजिए कैसे बनेगा, ठीक है, मैं बताऊंगा नहीं। तो स्वाभाविक सी बात है, ये जो मीठा है, ये जो आपका मीठा शब्द है, ये जो फल है, ये सब गुणवत्ता को दर्शा रहा है, मीठा है, मीठा है, गुणवत्ता है। तो यहां पर ये जो देखिएगा, मध्यम पद से निर्णय लेते हैं हम, हमेशा मध्यम पद को छोड़ देते हैं, तो यहां पर कुछ फल मीठे हैं, कुछ फल मीठे हैं, ठीक है। तो ये जो है गुणवत्ता को दर्शा रहा है, मीठा जो है, ठीक है। और हमेशा ध्यान देना, ये क्या है,
ये हमेशा जो है ट्रू या फॉल्स होता है, हमेशा ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, ये जो पहला पद है उसको हमने क्या बोला था, पहला पद जो सभी शब्द होगा वो मेजर प्रीमाइस होगा, ये मेजर प्रीमाइस है यानी कि आधार वाक्य। ठीक है, मुख्य आधार वाक्य ये क्या है, माइनर प्रीमाइस है, माइनर प्रीमाइस यानी कि लघु आधार वाक्य। ठीक है, और ये निष्कर्ष है, तो स्वाभाविक सी बात है यहां पर इसको हटा देंगे तो इसमें यही बात को दर्शाता है। तो ये मूड के बारे में बोल रहा है, ये मात्रा और गुणवत्ता दोनों चीजें जो होती है उसको मूड या अवस्था कहते हैं, अवस्था कहते हैं, ये अवस्था है। ठीक है, तो शायद ये भी आपको समझ में आ जाएगा, मात्रा गुणवत्ता ही मूड बनती है, उसको मूड कहा जाता है या अवस्था कहा जाता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा किसी सुस्पष्ट तर्क वाक्य की आकृति का निर्णय करता है, आकृति को निर्णय करेगा। जैसे अभी मैंने पहला आधार वाक्य बताया कि सभी आम मीठे हैं, सभी आम मीठे हैं, और दूसरा वाक्य बताया था, ठीक है, यहां पर सेब, सेब एक आम है, एक आम है। तो यहां पर निष्कर्ष निकाले थे, निष्कर्ष निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये जो मध्यम पद है, ये जो मध्यम पद ही निर्णय लेगा। देखिएगा यहां पर कह रहा है आकृति का निर्णय करता है, तो यहां पर जो है सेब, सेब मीठे हैं, सेब एक मीठे हैं, यहां पर सेब को जो है देखिएगा यहां पर निर्णय लेने में ये मध्यम पद ही निर्णायक होता है, आकृति का निर्णय। ये जो आकृति है ये सभी और सेब, सेब जो है एक प्रकार की फल है, सभी आम की बात कर रहे हैं, सेब भी मीठे हैं। ठीक है, सेब को ही आम कहते हैं मान लीजिए, तो सेब भी मीठा होगा, जब आम मीठा है और सेब ही आम है तो स्वाभाविक बात है सेब तो मीठे होंगे ना, तो स्वाभाविक सी बात है। तो यहाँ पर जो है मध्यम पद के आधार पर निर्णय लिया जाता है, ये मिडिल टर्म जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आकृति का निर्णय करता है, ये भी आकृति है। ये सभी जो है, सभी में सभी शब्द जो है ये आकृति को दर्शाता है, मात्रा को दर्शाता है, आकृति मीन्स मात्रा। ठीक है, या जो सेव है ये भी मात्रा है, आकृति को दर्शा रहा है, एक एक प्रकार की फल है सेव है, ये भी मात्रा को दर्शाता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो मात्रा जो निष्कर्ष में सेव हुआ है ये भी निर्णायक हो रहा है, देखिएगा सेव को लिख रहे हैं हम, तो इसीलिए आकृति का निर्णय जो है मध्यम पद लेता है, मध्यम पद के आधार पर ही निर्णय लिया जाता है, यानी कि मध्यम पद को हटाएंगे तभी जाकर हम निर्णय ले सकते हैं। तो इसलिए ये मध्यम पद जो है प्रमुख पद, ये प्रमुख पद है यानी कि ये मेजर टर्म है, मेजर टर्म के बारे में बताया था। मेजर टर्म क्या होता है, जो बड़ा होता है आकृति के हिसाब से बड़ा होता है सभी। ठीक है, सेव क्या है, माइनर टर्म है, ये माइनर टर्म है भाई। ठीक है, और ये जो हमने जो है शब्द का प्रयोग किया है इसी को कोपुला बोलते हैं, ये कोपुला है। क्या क्या होता है कोपुला, केपुला क्या होता है, कोपुला, कोपुला का मतलब जो है शब्द आएगा, नहीं है शब्द आएगा, ये सब कोपुला को दर्शाता है, यानी कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है उसको देखने के लिए, ये पॉजिटिव है एफर्मेटिव बोलते हैं इसको, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव और निगेटिव को पहचान करने के लिए कोपुला का प्रयोग किया जाता है, ये सकारात्मक है ये नकारात्मक है, इसी को देखने के लिए। इसी के आधार पर सकारात्मक होगा तो दो प्रकार का होगा, ए और आई होगा, और नकारात्मक होगा तो ई और ओ होगा। ठीक है, तो ये हमको पता लगता है कोपुला के माध्यम से, शायद ये भी आपको समझ में आ गया होगा। मैं केवल 5 क्वेश्चन ले रहा हूँ, अभी क्वेश्चन आंसर चलेगा,
ठीक है, कल भी जो है देखिएगा, यहाँ पर नीचे चार प्रतिवृत्तियाँ दी गई है, उनमें से दो ऐसे संबंधित है वे सत्य नहीं हो सकते, हालांकि वे गलत हो सकते हैं। मैंने पहला नियम बताया था, फर्स्ट नियम क्या बताया था, पहला नियम बताया था विपरीत का, कॉन्ट्रेरी का मैंने बताया था, विपरीत या कॉन्ट्रेरी का नियम क्या बताया था आप सब जब समझे पहले। तो यहाँ पर विपरीत में क्या होता है, ए और ई होता है, ए और ई होता है, विपरीत होता है। जो हमने एक वर्ग बनाया था ऐसा, ये ए और ई जो है विपरीत होता है, कॉन्ट्रेरी होता है, कॉन्ट्रेरी होता है। और कॉन्ट्रेरी का नियम क्या है, ए और ई दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। ए और ई, आप कल के वीडियो देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा, ए और ई दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, ट्रू नहीं हो सकते, ठीक है, लेकिन लेकिन क्या फाल्स हो सकते हैं, लेकिन फाल्स हो सकते हैं। ये हमने कल जो है बताया है, और यही बात तो बोल रहा है, वे सत्य नहीं हो सकते, हालांकि वे गलत हो सकते हैं, यही बात तो बता रहा है। तो इसका मतलब ए और ई है, हमको ए और ई को ढूंढना है। यहां पर सभी शब्द दिया हुआ है, तो स्वाभाविक सी बात है ये ए है, कोई भी व्यक्ति ईमानदार नहीं है ये ई है, कुछ व्यक्ति ईमानदार है ये आई है, और कुछ व्यक्ति ईमानदार नहीं है ये ओ है। और हमारा जो फार्मूला है ये जो बता रहा है ए और ई के बारे में बता रहा है, यानी कि एक और बी जो है दोनों ए और ई है। तो देख लीजिएगा ये आंसर जो है राइट आंसर। इस तरह से आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल बटन को क्लिक करें, प्रेस करें, ताकि आपको हमारे जब भी वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।